किशोरावस्था में एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है वो है चेहरे पर मुहासों का होना, एक्ने। क्या है कारण, क्यों हो जाते हैं? हमने ये तो सुना है ना कि जवानों में बहुत खून गर्म होता है, तो बिल्कुल सही, यही इसका कारण है कि वो बच्चे, वो जो लड़के या लड़की जिनका ब्लड में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जब ब्लड में बहुत हीट होगी तो लंग्स में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये लंग्स की हीट जब चेहरे पर आती है तब एक्ने हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, तो ऐसे में स्प्लीन और स्टमक में भी हीट बढ़ जाती है। अब जब स्टमक और स्प्लीन में हीट बढ़कर भी चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। तो साथियों, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर थेरेपी में कि यदि वो मुहासे जो कि बनते तो हैं लेकिन अपना निशान छोड़ जाते हैं ना, एक तो बिल्कुल गांठ जैसे हो जाते हैं और दूसरा निशान जब सूखते हैं तो अपना चेहरे पर निशान छोड़ जाते हैं, गड्ढा छोड़ जाते हैं। तो आज बात होगी कि किस प्रकार से आप बहुत ही कम एक्यूप्रेशर पॉइंट से एक तो इन एक्ने से छुटकारा हमेशा के लिए पा लेंगे, दूसरा जो दाग धब्बे पड़ गए हैं चेहरे पर, जो निशान छूट गए हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वाशने, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, एक्ने वल्गैरिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर थेरेपी में। पहले निकाल डालते कि हमें ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से वाइट कलर के, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर ऊर्जा का सिद्धांत है। हमें ऊर्जा को कहीं घटाना और कहीं बढ़ाना होता है, यानी हमें ऊर्जा को टोन करना होता है या सेडेट करना होता है। इसी के लिए हमें ज़रूरत होती है टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की। चलिए अब निगाह डालते हैं उन खास प्रेशर पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, कुछ पॉइंट्स को हमें टोन करना है, कुछ पॉइंट्स को हमें सेडेट करना है। तो आइए निगाह डालते हैं एक एक प्रेशर पॉइंट पर। पहले आएंगे मिडल फिंगर। मिडल फिंगर में अपर जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है SP6। आएंगे इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर अपर जॉइंट, जॉइंट पर बिल्कुल किनारे टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है LI4। दो पॉइंट साथियों मिडल फिंगर में है, मिडल फिंगर मिडल जॉइंट, जॉइंट में बिल्कुल किनारे ही टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है स्टमक 36। ऐसे देखें ना कि बिल्कुल किनारे टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है, जॉइंट से नीचे पॉइंट का नाम है स्टमक 36। और एक पॉइंट है साथियों जो ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है, ये यदि हम मिडिल फिंगर में ही मिडिल जॉइंट और अपर जॉइंट के लगभग लगभग बीचों बीच, लेकिन एकदम बीच में भी नहीं है, स्लाइटली टुवर्ड्स थंब है। अब इस चीज़ को देखें कि मिड लाइन पर नहीं है, हल्का सा मिड होते हुए भी लेकिन टुवर्ड्स थंब की तरफ है, इस पॉइंट का नाम है स्टमक 40। एक और पॉइंट है साथियों, यदि हम थंब के बेस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें और मिडल फिंगर रिंग फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच में और रिस्ट के बिल्कुल बीच से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो ये हमारा हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ। और यदि हम रिस्ट फोल्ड और इस जो हमारी लाइन जहाँ पर क्रॉस कर रही है इसका भी हम हाफ कर दें, तो लगभग लगभग मिड लाइन से साइड में टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है UB20, यूरिनरी ब्लैडर 20। अब देखते हैं कि हमें पॉइंट्स को किस तरीके से लेना है। तो पहले हम करेंगे पॉइंट्स को टोन। तो टोनिफिकेशन के लिए इस तरीके से मैग्नेट को लगाएंगे कि स्किन में जो टच होगा वो येलो कलर और बाहर से जो दिखाई देगा वो वाइट। तो जो हमारा ये पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर 20, इसके ऊपर हम इस तरीके से टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को लगा लेंगे, यानी इस पॉइंट को हम कर रहे हैं टोन। इसके अलावा हमारा एक ये पॉइंट था SP6, इसको हम टोन करेंगे, और जो रेड कलर से ये मार्क है स्टमक 36, इसको भी हमें टोन करना है।
अब बात करते हैं दो पॉइंट्स और की जो बचे, स्टमक 40 और LI4। इन दोनों पॉइंट को हम सजेस्ट करेंगे। सजेशन के लिए स्किन में जो टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा येलो। तो ये हमारा पॉइंट है स्टमक 40। इस पर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगाएंगे। देखिए अपोजिट ट्रीटमेंट हो गया बिल्कुल। यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स को कर रहे हैं सडेट। हमने तीन पॉइंट्स को किया टोन और दो पॉइंट्स को किया सडेट। तो यानी कि आपका जो भी एक्ने वल्गैरिस का जो भी कारण था, जिसकी वजह से सिस्ट हो रहा था, ग्लैंड सी हो रही थी, मवाद आ रहा था और निशान छूट रहे थे, ये सारे के सारे चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। तो साथियों इस उपाय को ज़रूर करें। आपको भी आवश्यकता है मैग्नेट्स की तो निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट के लिंक है संभव.com। पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। साथियों ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल है, सहज है। आप घर पर रहकर भी बहुत सारी बीमारियों को खुद अपना कैसे हम ट्रीटमेंट करें ये सारी चीज़ें खुद ही सीख सकते हैं। तो निगाह डालिए स्क्रीन पर, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियाँ सिखा सकें। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।